भाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार, मैं तो बस हाल चाल पूछने गया था, उसने मेरे ही चाल चलन पे शक कर लिया, पंजे में काट खाया बहन की लौड़ी ने। ओ सुन ले मेरा भाई। नहीं नहीं नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। बर्तन धुल ले मेरा भाई। क्यों धुल ले बर्तन? तेरे बाप का कुछ लेके खा रखा क्या मैंने? बता दो मोबाइल में क्या देख रहा था मेरा भाई। हाँ जा बता दे किसको बता रही है, अपने आप पे शर्म आ रही है क्योंकि इंस्टा ओपन करते ही सबसे ऊपर तेरी वीडियो मिलेगी। धमका तो ऐसा रही है जैसे कि मैं घपा घप की वीडियो देख रहा था। मदा तेरे को दो बार पहले भी समझा चुका हूँ ना मैं, मेरे माथे पे उंगली मत फेरा कर, केमिकल लोचा है, खून गरम हो जाता है मेरा। लेकिन तेरी उंगली करने की आदत गई नहीं बहन के लवड़े। आज फिर निराशा हाथ लगी, लगातार 2 महीनों से कोशिश कर रहा हूँ, सफलता मिल नहीं पा रही है, नहीं पहुंच पा रहा हूँ यार अपनी बुर्ज खलीफा की चोटी तक। यह कौन सी प्राकृतिक आपदा पड़ी, मासूम से बिल्ले को अपने चपेटे में ही ले लिया। असमंजस में फंसा पड़ा हूँ क्योंकि ऐसे में बड़ा बहादुर बांगड़ बिल्ला हूँ, लेकिन यार यहाँ मेरी गांड फट गई। The artist. ये तो बस नमूना पेश किया है कलाकारी का, अगर अगली बार से टाइम पे चाय बिस्कुट नहीं मिला तो माथे पे मादर चोद लिख दूंगा। No. क्यों, तेरे बाप का पेशाब रखा है क्या इसमें? भोसड़ी के मेरे शुभ कार्यों में टोक मत लगाया कर, नहीं तो कार्य तो बाद में करूंगा, तेरी गांड में पंजा पहले फंसा दूंगा मादर चोद। अपन तो ऐसे ही दरवाजा खटखटाता जैसे AK-47 चल रही हो, अंदर वाले को भी तो पता चले कि बाहर कोई वजनदार खड़ा है। खौफ पैदा करना है खौफ मादर चोद।